आज का जो टॉपिक हमारा है वो है ब्लड के बारे में, यानी कि रुधिर के बारे में। और रुधिर को लेकर शायद ही ऐसा कोई पेपर हो यूपी टेट का जिसके बारे में आपका क्वेश्चन यहाँ से पुटअप न हुआ हो, तो इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं और क्या इसकी उपादेयता आपके एग्जाम के लिए होती है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले ये हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि क्या होता है रुधिर। अगर रुधिर के डिफिनीशन की अगर हम बात करें, ब्लड के डिफिनीशन की बात करें, तो एनसीईआरटी के में जो लाइन लिखी गई पहली कि रुधिर जो है यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, इसका जो रंग होता है यह लाल होता है और यह इसका स्वाद जो है यह नमकीन होता है, और इसके अगर पीएच मान की मैं बात करूं तो इसका पीएच मान क्षारीय होता है। क्षारीय होता है इसका पीएच मान। क्यों क्षारीय होता है? क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है यह 7.4 होता है। इसका पीएच मान की अगर हम बात करेंगे तो इसका पीएच मान होता है 7.4। अब अगर इसके डिफिनीशन को अगर हमने इतना इजली वे में बता दिया कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, यह दिखने में लाल है, स्वाद में नमकीन है और पीएच मान के अकॉर्डिंग या क्षारीय होता है, अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो आगे के जितने भी चैप्टर के हम पॉइंट बताएंगे वो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। पहली चीज हमने कहा कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल का मतलब यह होता है कि रुधिर एक फ्लूइड अवस्था में पाया जाने वाला एक द्रव होता है, और अगर यह तरल है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह प्रवाहमान रहेगा, वह गतिमान रहेगा, वह चलेगा। कहां पे चलेगा? हमारे रुधिर वाहिनियों में, हमारे सिराओं में जो है यह तरल अवस्थाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमण करता है। दूसरे शब्द पे अगर हम आए तो दूसरा शब्द लिखा गया है संयोजी ऊतक। ठीक है, तो संयोजी को बाद में समझते हैं, पहले ऊतक को समझते हैं। ऊतक क्या होता है? हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर होता है यह किससे मिलकर बना है? यह सेल से मिलकर बना होता है, यानी कि यह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और जब यही कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो सेल कन्वर्ट हो जाता है टिश्यू में, यानी कि सेल कन्वर्ट हो जाता है ऊतक में। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि हमारा जो शरीर होता है यह किससे मिलकर बना है? तो यह कोशिकाओं से मिलकर बना है। और जब यही कोशिकाएं आपस में मिलने लगती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। और यही मैं यहां पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि रुधिर एक प्रकार का ऊतक है, इसका मतलब यह बना किसका होगा? तो हम कहेंगे यह कोशिकाओं का एक क्या है, संजाल है, यानी कि कोशिकाओं से बना हुआ फॉर्मेशन हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि यह किस प्रकार का ऊतक है, तो यह संयोजी ऊतक होता है, यह कनेक्टिव टिश्यू होता है। संयोजी ऊतक इस वजह से होता है क्योंकि हमारे शरीर के दो अंगों को जोड़ने का काम कौन करता है? रुधिर करेगा। कैसे करता है समझने का प्रयास करेंगे। अगर हमने रिस्पायरेशन लिया तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो प्रवेश की है हमारे लंग्स में, फेफड़े में, उस ऑक्सीजन को रक्त जो है एब्जॉर्ब करके, वहां से कैच करके हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम करेगा। जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा ब्रेन काम कर रहा है, आप पढ़ रहे हैं तो इस समय आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपका मस्तिष्क काम कर रहा है, तो आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम कौन करता है? तो रुधिर ही वह पार्ट्स होता है जो हमारे शरीर में किसी भी चीज को, चाहे कोई भी भोज्य पदार्थ हो, चाहे वह ग्लूकोज हो, चाहे वह प्रोटीन हो, चाहे वह वसा हो, चाहे वह आपका क्या एंजाइम हो, इन सारी चीज, चाहे आपका हार्मोन्स हो, इन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है, हमारा रुधिर करता है। ठीक है, तो पहली लाइन आपको यहां से क्लियर हो जानी चाहिए कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। आगे अगर हम बात करेंगे
तो यह लाल होता है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है? लाल। लाल क्यों होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। लाल इस वजह से होता है क्योंकि हमारे रुधिर में, आगे हम चल के पढ़ेंगे कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग जो है यह लाल होता है। आगे हम बात करेंगे, यह नमकीन होता है, यानी कि यह स्वाद में कैसा होता है? नमकीन होता है। और नमकीन इस वजह से होता है क्योंकि रुधिर में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मैं अभी डिफिनीशन पे ही बात कर रहा हूं, अभी मैं डिफिनीशन ही बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो रुधिर का जो स्वाद नमकीन होता है वह किस वजह से होता है? वह इस वजह से होता है क्योंकि आपके रुधिर में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड उसको नमकीन स्वाद देने के लिए उत्तरदायी होता है। अब मैं बात कर रहा हूं पीएच मान का, ठीक है, इसके पीएच मान का। तो इसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि 7.64 होता है, और इसी वजह से यह होता है क्षारी, और इसी वजह से यह होता है क्षारी। तो ब्लड को क्षारीय बनाने का काम जो है यह सोडियम बाइकार्बोनेट करता है। यह पॉइंट आपको याद होने चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण, सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण जो होता है रुधिर जो होता है यह क्षारीय होता है। रुधिर कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि रुधिर अगर तरल है तो वह प्रवाहमान है। हमने कहा किस प्रकार का ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। यह लाल होता है, क्यों लाल होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यह स्वाद में नमकीन होता है। क्यों नमकीन होता है? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, और इसका पीएच मान के लिए उत्तरदायी जो आपका यौगिक होता है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट ही वह आपका पदार्थ है जो इसके पीएच मान को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है ब्लड के बारे में। अगर ब्लड के बारे में पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं, आसानी से किसी को समझा सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे रुधिर के कंपोजिशन पे, यानी कि अगर हम देखना चाहें कि रुधिर के क्या क्या संघटक होते हैं, रुधिर के क्या क्या संघटक होते हैं, तो इसमें हम बात करेंगे रुधिर का पहला जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है प्लाज्मा, उसे कहा जाता है प्लाज्मा, और जो दूसरा पार्ट्स होता है इसे कहा जाता है रुधिर कोशिकाएं, उसे कहा जाता है रुधिर कोशिकाएं। दो पार्ट्स में रुधिर बटा होता है, पहला पार्ट्स है आपका प्लाज्मा और दूसरा पार्ट्स होता है आपका रुधिर कोशिकाएं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि अगर पूरे ब्लड को हम 100% मान लें, इसको अगर हम 100% मान लें, तो लगभग 55% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। लगभग 55% क्या होता है? प्लाज्मा। जबकि लगभग 45% भाग क्या होता है आपका? रुधिर कोशिकाएं होता है, या इसी को बोला जाता है ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इसी को रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। विभिन्न किताबों में देखेंगे तो आपके इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने ये जाना कि आपके ब्लड जो होते हैं उस ब्लड में के दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा रुधिर का सबसे बड़ा भाग का निर्माण करता है, अर्थात यह 55% फॉर्मेशन करता है, जबकि रुधिर कोशिकाओं की अगर हम बात करेंगे तो यह लगभग 45% भाग का क्या करता है? निर्माण करता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इतनी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे कि प्लाज्मा क्या होती है, या प्लाज्मा का फॉर्मेशन क्या होता है, या हमारे शरीर में प्लाज्मा जो है कार्य क्या संपादित करता है। रुधिर कोशिकाएं अगर हैं तो रुधिर कोशिकाएं को का क्या होता है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, ये सारी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक आपको महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि हमारे यहाँ जो है, यानी कि टारगेट विथ आलोक में यूपी टेट का जो है एडमिशन प्रारंभ हो चुका है।
और इस एडमिशन की प्रक्रिया को आप बेहद ही आसानी तरीके से इसको आप ले सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर को आप लिख सकते हैं, नंबर है आपका 83 82 96 96, उसके बाद है 67 67, उसके बाद है 89 79। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, कहने का मतलब ये नंबर जो है, ये नंबर है जिसपे आपको व्हाट्सएप करना है। क्या व्हाट्सएप करना है इसको देखिएगा, व्हाट्सएप आपको करना है, इस पे व्हाट्सएप आपको करना है यूपी टेट, इस पे व्हाट्सएप करना है आपको यूपी टेट, और आगे लिख देना है एंट्री, ठीक है। यूपी टेट एंट्री को लिख के आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, और उसके बाद जो हमारी टीम है वो आपसे संपर्क कर लेगी, और क्या क्या एडमिशन का प्रोसेस होता है और किस तरीके से एडमिशन लिया जाएगा उसके बारे में पूरी जो डिटेल्स है वो आपको वहां पे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको बस केवल इतना करना है, इस नंबर को जो है आपको व्हाट्सएप पे सेव करना है और इस पे इतना लिख के आपको व्हाट्सएप कर देना है, उसके बाद हमारी टीम जो है आपको संपर्क कर लेगी, ठीक है। चलते हैं आगे, हम बात कर रहे थे रुधिर कणिकाओं के बारे में या रुधिर कोशिकाओं के बारे में, और रुधिर कोशिकाओं के बारे में हमने बताया था कि इसके दो भाग होते हैं, पहला है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है रुधिर कोशिकाएं। रुधिर प्लाज्मा हमने बताया था 55% होता है, जबकि रुधिर कोशिकाएं कितना परसेंट भाग बनाती हैं आपका, तो 45% भाग बनाती हैं। अब मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है और इसका क्या कार्य होता है। तो बेसिकली पहले चीज समझते हैं कि प्लाज्मा के अंतर्गत क्या क्या पार्ट्स होते हैं या क्या क्या भाग बनते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है, यह जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं, जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, उन भोज्य पदार्थों के संवहन के लिए उत्तरदायी ब्लड का कौन सा पार्ट्स होता है, तो प्लाज्मा। भोज्य पदार्थों के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो भोज्य पदार्थों के अंतर्गत पहला पार्ट हमारा क्या है, ग्लूकोज। आपने देखा है कि रोटी खाया, चावल खाया, ठीक है, इन रोटी या चावल जो है जब पाचन की क्रिया संपादित हो गई तो उसके बाद यह बन गए किसमें, आपके ग्लूकोज में यह कन्वर्ट हो गए। अगर हमने वसा को ग्रहण किया है तो वसा जो है यह कन्वर्ट हो गया इस समय किसमें, फैटी एसिड में। फैटी एसिड यानी कि वसी अम्ल में जो है यह कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम प्रोटीन को ग्रहण किए हैं तो प्रोटीन जो है यह कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, यह कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में। यानी कि ये जो भोज्य पदार्थ हैं, इन भोज्य पदार्थों के संवहन के लिए जिम्मेदार रुधिर का कौन सा पार्ट होता है, तो प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा जो है यह रुधिर का कितना परसेंट होता है, तो लगभग 55% होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं वह भी कहां पे उपस्थित होते हैं, इसी रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन के पार्ट्स होते हैं, कुछ विशेष प्रोटीन होते हैं, जैसे अगर मैं प्रोटीन की बात करूंगा तो जैसे मैं अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रोथाम्बिन की मैं बात करूंगा, स्पेशली मैं बात करूंगा फाइब्रिनोजन की मैं बात करूंगा, तो फाइब्रिनोजन का भी परिवहन कौन करेगा, आपका प्लाज्मा करेगा। तो आपके कुछ प्रोटीनों का भी परिवहन करने का काम कौन करेगा, आपका प्लाज्मा, और उनमें से सबसे प्रमुख है आपका प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन। यह प्रमुख इस वजह से है क्योंकि रुधिर के स्कंदन के लिए जो जिम्मेदार प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम होता है प्रोथाम्बिन और क्या होता है आपका फाइब्रिनोजन। इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि यह किस तरीके से रुधिर के स्कंदन में सहायता करता है। और तो आप एक चीज समझ गए हैं यहां से कि प्लाज्मा जो है भोज्य पदार्थों के संवहन का कार्य करेगी, कुछ हार्मोन्स के संवहन का कार्य करेगी, साथ ही साथ प्लाज्मा से लेके एक क्वेश्चन आपका यह भी पूछा गया है कि हमारे शरीर के ताप नियंत्रण में भी भूमिका किसकी होती है, तो प्लाज्मा की होती है। यानी कि हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है, तो प्लाज्मा करेगा।
क्यों ताप को नियंत्रित करेगा? क्योंकि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में आपका लगभग 92% अगर हम बात करेंगे तो लगभग 92% पाया जाता है जल। क्या पाया जाता है आपका? जल। यानी कि प्लाज्मा रुधिर का सबसे बड़ा पार्ट्स है, यह सही है, लेकिन प्लाज्मा का सबसे बड़ा पार्ट्स क्या होता है आपका? जल होता है। जल कितना परसेंट होता है? 92% होता है। और शेष बचे 8% में ये जितने भी प्रकार के आपके पोषक पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे वो 8% में पाए जाते हैं, जबकि 92% प्लाज्मा का अकेला भाग कौन सा होता है? जल का। ठीक है, तो आपको प्लाज्मा के विषय में एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या याद करना है और क्या आपके एग्जाम में पूछा गया है उसके बारे में भी चर्चा करते चलें। तो पहला प्लाज्मा के कार्य, तो प्लाज्मा जो है यह भोज्य पदार्थों के संवहन का कार्य करता है। और दूसरा पार्ट आपको यह याद करना है कि यह साथ ही साथ ताप को नियंत्रित भी करने का प्रयास करता है, यानी कि ताप को नियंत्रण में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि प्लाज्मा में सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? तो जल का होता है। कितना परसेंट होता है? लगभग 92% जो पाया जाता है वह जल पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको प्लाज्मा के विषय में क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं रुधिर कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, कि रुधिर कोशिकाएं जो हैं वह कितने टाइप्स की होती हैं और हमारे शरीर में क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है और किस तरीके की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बेसिकली रुधिर कोशिकाएं के तीन पार्ट्स होते हैं, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स है जिसे कहा जाता है आरबीसी, पहले पार्ट्स को कहा जाता है आरबीसी, दूसरे पार्ट्स को कहा जाता है डब्ल्यूबीसी, दूसरे पार्ट्स को कहा जाता है डब्ल्यूबीसी, जबकि तीसरे पार्ट्स को कहा जाता है प्लेटलेट्स, तीसरे पार्ट्स को कहा जाता है प्लेटलेट्स। ठीक है, फिर से समझेंगे, हमने कहा कि रुधिर का जो तीसरा पार्ट्स है उसे कहा जाता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो कितने भागों में रुधिर कोशिकाएं बट गई? तीन भागों में बट गई। पहला भाग है आपका आरबीसी, दूसरा भाग है आपका डब्ल्यूबीसी और तीसरा भाग होता है प्लेटलेट्स। ये नाम लगभग सभी लोगों को पता होगा, लेकिन आजकल के जो एग्जाम है उसमें आरबीसी को नाम दिया रहता है इरिथ्रोसाइट। तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि आरबीसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, जिसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को भी एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ये तीनों नामों को आपको पता होना चाहिए कि आपके आरबीसी का एक और नाम है इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का एक और नाम है जिसे कहा जाएगा ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का एक और नाम है जिसे कहा जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। इन तीन भागों में रुधिर कोशिकाएं यानी कि ब्लड सेल्स जो होती है हमारी बटी होती हैं। ठीक है, अब यहां से समझने का यह प्रयास करते हैं कि अगर 45% में रुधिर कोशिका है तो इसमें सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक संख्या किस कोशिका की होती है, किस ब्लड सेल की होती है? तो आपका जो आरबीसी होता है, आरबीसी की संख्या सर्वाधिक होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या सबसे कम होती है। फिर से सुनिएगा, अगर मैं संख्या की बात करूं क्योंकि अभी मैं संख्या बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि यहां पे 45 से लेके 50 लाख प्रति एमएम क्यूब आपके आरबीसी की संख्या होती है, डब्ल्यूबीसी पे आएंगे तो केवल 5000 से लेके 10000 तक होती है, और अगर प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूंगा तो इसका लगभग संख्या होती है 3 लाख। तो कहने का हमारा आशय यह है कि संख्या में जो है सर्वाधिक बड़ा हिस्सा किसका होता है? तो आरबीसी का होगा। सबसे कम कौन होता है संख्या में? तो संख्या में सबसे कम जो है वह होता है आपका डब्ल्यूबीसी। लेकिन एक पॉइंट यहां पे और नोट डाउन करिएगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, अगर बात करूं आकार की
कि आकार में सबसे बड़ी रुधिर कोशिका कौन सी होती है, तो आकार में सबसे बड़ी कोशिका, आकार में सबसे बड़ी कोशिका आपकी WBC होती है। आकार में सबसे बड़ी कोशिका आपकी किसकी होती है, WBC की होती है। तो ये दो पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो RBC की, और सबसे बड़ी आकार में कौन सी होती है, तो WBC। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जा चुके हैं। तो अब थोड़ा सा मूव करते हैं RBC के बारे में और RBC को समझने का प्रयास करते हैं कि RBC का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका जीवन काल क्या होता है, वह फिर जाके लास्ट में विघटन कहां पे होता है, वह मृत कहां पे होगा, और जब मृत होता है तो वह किन पदार्थों में निर्मित हो जाता है। ये सारी चीजें जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, समझते हैं रुधिर कोशिका का जो पहला पार्ट है जिसे हमने RBC कहा है। तो RBC के बारे में हमने बताया है पहला पॉइंट कि RBC को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, आरबीसी का जो जन्म होता है, ठीक है, आरबीसी का जन्म जो होता है यह भ्रूणा अवस्था में होता है यकृत में, यह भ्रूणा अवस्था में होता है यकृत में, जबकि जन्म के पश्चात इसका निर्माण होता है आरबीएम में। आरबीएम को बोला जाता है आपका लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, या जिसे कहेंगे रेड बोन मैरो। फिर से सुनिएगा, हम आरबीसी की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो आरबीसी का जो जन्म होता है वह भ्रूणावस्था में होता है लीवर में, यानी कि यकृत में होता है, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि भ्रूणावस्था में केवल यकृत में ही नहीं होता है आपके आरबीसी का निर्माण। बेसिकली जान लीजिए कि आरबीसी का निर्माण जब भ्रूण मां के गर्भ में रहता है और जब एकाध महीने का वह होता है, उस समय आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वह यॉक सेल में होता है, वह यॉक सेक में होता है। पहला पॉइंट कि जब भ्रूणावस्था में जब शिशु रहता है उस समय आरबीसी का निर्माण सबसे प्रारंभिक चरण में यॉक सेक में होता है। यॉक सेक के बाद आरबीसी का निर्माण भ्रूणावस्था में यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है। एकाध महीने का जब भ्रूण रहेगा तो यॉक सेक में, एकाध महीने से भ्रूण जब बड़ा हो जाएगा यानी कि 2-3 महीने का हो जाएगा, तब आरबीसी का निर्माण किसमें होने लगता है, यकृत में, यानी कि लीवर में। जब भ्रूण और बड़ा होता है तो निर्माण होने लगता है प्लीहा में, और प्लीहा को इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लीन कहा जाएगा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लीन। तो आरबीसी का निर्माण बेसिकली भ्रूणावस्था में जो है 3 जगहों पे हो रहा है। आप देख सकते हैं यॉक सेक में भी होता है, यकृत में भी होता है, और प्लीहा में भी होता है। जबकि जन्म के पश्चात लाल अस्थिमज्जा में, यानी कि रेड बोन मैरो में इसका संपादन होता है। लेकिन आपके आयोग के द्वारा अभी तक जितनी भी बार क्वेश्चन पूछा गया है, या यूपी टेट में भी आपका जो क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है, तो वह हमेशा प्रायोरिटी किसको दिया है, यकृत को। किसको प्रायोरिटी दिया है आपका, यकृत को। तो आप भी हमेशा आंसर कौन सा चूज करेंगे, यकृत को ही चूज करेंगे कि भ्रूणा अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। लेकिन अगर ये तीनों ऑप्शन दे के अगर लास्ट में दे दे आपका इनमें से सभी, तो आप उसको गलत नहीं करेंगे, आप लगा देंगे टिक इनमें से सभी, क्योंकि प्लीहा, यकृत और याक सेक में तीनों जगहों पे आपके भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट आपका एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण होता है किसमें, यकृत में, और जन्म के पश्चात आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थिमज्जा में। अब यहां पे समझने वाली बात होती है कि लाल अस्थिमज्जा क्या होती है, तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अगर कोई अस्थि है, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई अस्थि है यहां पे, तो अस्थियों के बीच में जो पाया जाने वाला पार्ट्स होता है, अस्थियों के जो बीच में पाया जाने वाला पार्ट्स होता है उसे कहा जाता है बेसिकली मज्जा गुहा, उसे बेसिकली आपका कहा जाता है मज्जा गुहा, या इसे कहा जाता है बेसिकली बोन मैरो, इसे कहा जाता है बोन मैरो।
फिर से समझिएगा, अस्थियों के जो होते हैं बीच में जो पाया जाने वाला जो गुहा होता है, इस गुहा को कहा जाता है मज्जा गुहा, इसे कहा जाता है मज्जा गुहा। तो बेसिकली हड्डियों में जो है यहां पे, यानी कि इस किनारे पे और इस किनारे पे, लंबी अस्थियों के जो किनारे पे जो पार्ट्स होता है, इस पार्ट्स को कहा जाता है आरबीएम, इसे कहा जाता है आरबीएम। आरबीएम का मतलब होता है रेड बोन मैरो, यानी कि लाल अस्थि मज्जा, और इसी आरबीएम में निर्माण हो जाता है किसका, आरबीसी का। किसका निर्माण होता है आपका, आरबीसी का। फिर से समझने का प्रयास करेंगे, हमने कहा कि आरबीसी का निर्माण जो है यह कहां पे होता है, जन्म के पश्चात, तो लाल अस्थि मज्जा में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये दे दे कि लाल अस्थि मज्जा में कहां पे, तो ध्यान से देखेंगे, या लाल अस्थि मज्जा की अस्थियों में पोजीशन कहां पे होती है, तो अस्थियों के किनारे वाले भागों में लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है, यानी कि आरबीएम पाया जाता है, और इसी आरबीएम में निर्माण होता है किसका, आरबीसी का निर्माण होता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। यही पे एक चीज और समझिएगा, इसी अस्थि मज्जा के बीच वाले भाग में, यानी कि यहां पे बीच वाले भाग में अगर मैं बात करूंगा, इस वाले पार्ट्स में, तो बीच वाले भागों में पाया जाता है YBM, बीच वाले भाग में पाया जाता है YBM। YBM का पूरा नाम होता है येलो बोन मैरो। ध्यान से समझेंगे, यहां से क्वेश्चन कई पूछे गए हैं। बीच में जो आपके लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है उसका नाम होता है YBM, या जिसे इंग्लिश में बोलेंगे येलो बोन मैरो, या इसे हिंदी में कहेंगे हम पीत अस्थि मज्जा, या इसे हिंदी में कहेंगे हम पीत अस्थि मज्जा। और पीत अस्थि मज्जा यानी कि YBM में किसका निर्माण होता है, तो आप कहेंगे WBC का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है आपका, WBC का निर्माण होता है। तो फिर से सुनिएगा, लंबी अस्थियों के किनारे पर पाए जाने वाले लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। लंबी अस्थियों के मध्य में पाए जाने वाले YBM यानी कि पीत अस्थि मज्जा में WBC का फॉर्मेशन होता है, उसका निर्माण होता है। तो यह चीज आपको एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए कि लाल अस्थि मज्जा में आपके RBC का निर्माण होता है, ठीक है। तो अगर इतना चीज अगर क्लियर हो है, तो आगे चलते हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं कि जब RBC का जन्म हो गया है, जन्म आपका भ्रूणावस्था में यकृत में हो गया है, और जन्म के पश्चात आपके अस्थि मज्जा में हुआ है, तो आरबीसी है क्या। तो हमने पहली ही लाइन में बताया है कि आरबीसी जो है यह एक प्रकार का कोशिका होती है, एक प्रकार की सेल होती है। तो जब सेल ने जन्म लिया है तो वह धीरे धीरे वयस्क भी होगी, धीरे धीरे वयस्क भी होगी, तो उसका एक जीवन काल होगा, और जब जीवन काल होगा तो वह लास्ट में जाके क्या हो जाएगी, मृत भी हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से आरबीसी का पूरा जीवन काल होता है लगभग 120 दिन का होता है, लगभग 120 दिन का आपका जीवन काल होता है। किसका जीवन काल होता है, आरबीसी का होता है। और 120 दिन के बाद आरबीसी जो होता है यह प्लीहा में जाके समाप्त हो जाता है, यह प्लीहा में जाके समाप्त हो जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्न में से किसे आपका आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा गया है। तो प्लीहा वह स्थान होता है जहां पे आरबीसी जो होती है जाके डेड हो जाती है, इसी वजह से प्लीहा को आरबीसी का क्या बोलते हैं, हम कब्रगाह कहते हैं। यहीं पे एक चीजों में और आपको क्लियर करा दूं, आरबीसी का जो मरना होता है बेसिकली यह यकृत में भी होता है और अस्थि मज्जा में भी होता है, यह अस्थि मज्जा में भी मरता है और यकृत में भी मरता है। लेकिन आयोग कभी भी इनको प्रायोरिटी नहीं दिया है, हमेशा प्रायोरिटी किसको दिया है, आपका प्लीहा को लेके। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने बताया है कि आरबीसी का निर्माण यकृत में भी होता है, प्लीहा में भी होता है, यॉर्क सैक में भी होता है, लेकिन आयोग हमेशा यकृत को मानता है, तो आप हमेशा यकृत को प्रायोरिटी देंगे। और हमने कहा है कि आरबीसी जो है वह प्लीहा यकृत अस्थि मज्जा
तीनों जगह पे आपकी मृत्यु होती है, लेकिन आयोग हमेशा प्लीहा को माना है, स्प्लिन को माना है, तो इस वजह से आप हमेशा जो है स्प्लिन को ही मानेंगे। यहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ किताबों में आपका यकृत भी दिया रहता है, कुछ किताबों में आपका प्लीहा भी दिया रहता है, तो दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन हम आयोग के पैटर्न पे चलेंगे या प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर की बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है हम काम करना चाहेंगे। तो 120 दिन के बाद इसका जो है आपका मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि आरबीसी की संख्या कितनी आपके शरीर में होनी चाहिए। उसके बाद हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के फॉर्मेशन में सबसे महत्वपूर्ण होता है वह किस प्रकार की भूमिका निभाता है हमारे शरीर में, हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। इस ब्लड के चैप्टर पढ़ने के पश्चात जो है आप किसी के भी ब्लड रिपोर्ट कार्ड को देखकर आसानी से समझ पाएंगे कि आपका स्तर या उस ब्लड का स्तर क्या होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में, या फिर अगर आरबीसी की संख्या या हीमोग्लोबिन का स्तर जो है अगर कम हो जाता है तो हमारे शरीर में कौन कौन सी दिक्कतें या कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं, एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो शुरुआत हो चुकी है, और जो हमने आपको नंबर दिया है उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके जो है आसानी से जो है उसको एडॉप्ट करके एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।